और रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र में पुलिस के मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के अनुसार स्वार थाना क्षेत्र के सीतारामपुर गांव में प्रधानपति तेजपाल के खेत में बनी झोपड़ी में यह अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित थी। पुलिस ने इस मामले में मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महमूद और आदिल को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। वहीं प्रधानपति तेजपाल और यूनिस अभी फरार हैं। अगर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने बताया कि एडीजी जोन बरेली के निर्देशन में एक कार्रवाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो अवैध शस्त्र पाए जा रहे हैं उनके स्रोत की जानकारी की जा रही है। एडीजी जोन बरेली महोदय के निर्देशन में एक कार्रवाई एक अभियान चल रहा है, जिसमें जो अवैध शस्त्र पाए जा रहे हैं उनके स्रोत की जानकारी की जा रही है कि वो कहाँ से लाया है, और ये भी अभियान चल रहा है कि अवैध शस्त्र कहाँ कहाँ निर्मित हो रहे हैं और कहाँ कहाँ वो सप्लाई हो रहे हैं। तो इसी अभियान के तहत रामपुर में विगत कई दिनों में कई फैक्ट्री पकड़ी गई हैं जहाँ पर शस्त्र निर्माण हो रहा था, और इसी क्रम में सीतारामपुर गांव है ये थाना स्वार में जी, यहाँ पर जो वहाँ के जो प्रधानपति हैं तेजपाल सिंह उर्फ राजू, उनके गन्ने के खेत में एक फैक्ट्री चल रही थी जिसमें चार आदमी फैक्ट्री को चला रहे थे। जब वहाँ पर पुलिस पहुँची दो आदमी वहाँ से फरार हो गए, दो आदमी को गिरफ्तार कर लिया। जो दो आदमी गिरफ्तार हुए हैं वो इस जनपद के बाहर के हैं, जिन्हें तेजपाल और उसी गांव के जो है ये अधिगंज पास में गांव पड़ता है वहाँ के यूनुस पुत्र अब्दुल रहीद, ये दोनों लोग जो पकड़े गए लोग हैं इन्हें लाए थे ठेके पर तमंचे बनाने के लिए जी, कि 50 तमंचे बनाकर ये उन्हें देंगे, यानी कि तेजपाल को और यूनुस, और इन्हें फिर आगे सप्लाई करने के लिए जो नाल रखे ना इनका।